अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू ऑल इन SMES बॉयज इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल। स्टैंडर्ड 8, सब्जेक्ट अरेबिक, topic chapter number 7 ma haza. In our last period we have completed chapter number 7 ma haza translation. Last period mein translation complete kiya tha ma haza. Ma yani what, haza yani this. Ma haza ka meaning hum logon ne dekha tha, what is this. Aaj hum dekhenge tamarin yani ki exercise. This is first question hai, look at the picture and fill in the blanks. So let's start our lesson. मा यानी व्हाट, हाजा यानी दिस। मा हाजा का मीनिंग होता है व्हाट इज दिस। मा हाजा व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो हमें पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, चेयर। चेयर को हम बोलेंगे अरेबिक में कुर्सीयून। तो क्या है ये, तो हाजा कुर्सीयून, हाजा कुर्सीयून, ये कुर्सी है। दिस इज अ चेयर, क्या है ये, चेयर। तो हाजा कुर्सी यून, दिस इज अ चेयर। मा हाजा व्हाट इज दिस, हाजा कुर्सी यून, दिस इज अ चेयर। हाजा कुर्सी यून, दिस इज अ चेयर। नेक्स्ट हम देखेंगे मा हाजा व्हाट इज दिस, क्या दिखाई दे रहा है पिक्चर में, टेलीफोन। टेलीफोन को हम क्या बोलेंगे, हाथीफोन। टेलीफोन को क्या बोलेंगे, हाथीफोन। तो दिस इज अ टेलीफोन, हाजा हाथीफोन, क्या बोलेंगे इसको, हाजा हाथीफोन। मा हाजा यानी व्हाट इज दिस, हाजा हाथीफोन यानी दिस इज अ टेलीफोन। मा हाजा, हाजा हाथीफोन, ये क्या है, तो यह टेलीफोन है। नेक्स्ट मा हाजा व्हाट इज दिस, में क्या दिखाया गया है, बेड। बेड को हम क्या बोलेंगे अरेबिक में, सरीरुन। हाजा सरीरुन, दिस इज अ बेड। हाजा सरीरुन, दिस इज अ बेड। मा हाजा, हाजा सरीरुन, दिस इज अ बेड। मा हाजा व्हाट इज दिस, क्या है ये पिक्चर में, पेन यानी कलम। दिस इज अ कलम, सॉरी दिस इज अ पेन। हाजा कलमून, दिस इज अ पेन। मा हाजा व्हाट इज दिस, हाजा कलमून, दिस इज अ पेन। हाजा कलमून, दिस इज अ पेन। मा हाजा व्हाट इज दिस, क्या पिक्चर में दिखाया गया है, की। की को क्या बोलेंगे हम अरेबिक में, मिफ्ताहुन। हाजा मिफ्ताहुन, दिस इज अ की। हाजा मिफ्ताहुन, दिस इज अ की। मा हाजा व्हाट इज दिस, हाजा मिफ्ताहुन, दिस इज अ की। मा हाजा, मा यानी दी व्हाट, हाजा यानी दिस, व्हाट इज दिस, क्या है ये, तो बुक्स यानी किताब। हाजा किताबुन, हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक। मा हाजा व्हाट इज दिस, हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक। हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक। अगर एग्जाम में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिए गए होंगे पिक्चर के सामने, मा हाजा यानी पिक्चर देख के हमें बताना है कि ये क्या है, मा हाजा व्हाट इज दिस, हमें क्या लिखना है, तो हाजा किताबुन यानी दिस इज अ बुक, यह किताब है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मा हाजा व्हाट इज दिस, क्या है ये, ये है ऑक्स। तो इसको क्या बोलेंगे हम, हाजा सवरून। सवरून का मीनिंग होता है ऑक्स। दिस इज ऑन ऑक्स, सॉरी दिस इज एन ऑक्स।
माँ हाजा हाजा सवरून डिजीज एंड ऑक्स, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है। चैप्टर नंबर 7 माँ हाजा, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस या फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं वो आप लोगों को बुक्स के अंदर 2-2 times कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जज़ाकअल्लाह टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।